वो ये कह रही है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो यहाँ से आगे जाएगा तो उसे खतरा जो है वो हो सकता है अगर कोई और धमाका यहाँ पर हो। दो ब्लास्ट हुए हैं और उसकी जो तफ्तीश है वो हम कर रहे हैं। 26 जनवरी से 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर की धरती दहल गई। जम्मू के नरवाल इलाके में 2 जोरदार धमाकों ने हालात और खराब कर दिए हैं। नरवाल इलाके में आधे घंटे के अंदर 2 बम धमाकों ने स्थानीय लोगों, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। इस विस्फोट में 7 लोग जख्मी हुए हैं। ब्लास्ट के बाद जम्मू पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों वाहनों में विस्फोट की सूचना मिली थी जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। 2 ब्लास्ट हुए हैं और उसकी जो तफ्तीश है वो हम कर रहे हैं। एक ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट जो है लगभग 20 मिनट के बाद हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इसे आतंकी हमला माना है। 30 मिनट के अंदर हाई इंटेंसिटी के 2 ब्लास्ट हुए। पहला विस्फोट करीब 11 बजे हुआ था। इसकी चपेट में आने से 5 लोग जख्मी हो गए थे। वहीं दूसरा धमाका 11:30 बजे के करीब हुआ। जब ये धमाका हुआ तब तक इलाका खाली हो चुका था, जहां 2 लोगों को हल्की चोटें आई। जानकारी के मुताबिक पहले ब्लास्ट के लिए महेंद्र बोलेरो और दूसरे के लिए शेवरॉन क्रूज का इस्तेमाल किया गया। जम्मू पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। विस्फोट के बाद इलाके को सील कर दिया गया, वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। इसके अलावा जांच दल मौके पर पहुंच गया, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने नरवाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के नृशंस कृत्य जिम्मेदार लोगों की हताश और कायरता को दिखाता है। तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाए, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। बता दें कि जहां धमाके हुए उस जगह की सर्चिंग शुरू हो गई है। सुरक्षा बल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और विस्फोटक तो नहीं। लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।